अल्लाम वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं जी आप सब उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अच्छा जी आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोबारा से इवनिंग से शाम का वक्त है ये शाम की हम लोग चाय पी रहे हैं सेहन में बैठे हैं सब और चाय जो है वो पी जा रही है साथ बातें की जा रही हैं तो शाम से असर के बाद फ़ौर यानी कि ना जैसे धूप ख़त्म होती है सहन में तो हम लोग बाहर सहन में आ जाते हैं आ, बाकी सारा दिन तो अंदर ही होता है लेकिन गर्मी जो है ना वो गुजरात में बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई हूँ तो मुझे यही कह रहे हैं कि पिछले दिनों काफ़ी अच्छा मौसम रहा है तो ये इस वीक से ही जो है ना गर्मी ज़्यादा हो गई है तो बस अभी हम लोग जी सेहन में बैठे हैं यहाँ पर पास ही हमने एयर कूलर लगा लिया और चारपियाँ बिछा के तो इधर बैठ जाते हैं बड़ा अच्छा यानी कि फिर हो जाता है मौसम ठंडा ठंडा तो यहीं पर सब लोग बैठ जाते हैं अच्छा जी काफ़ी लोगों ने मुझे ए, कहा है कि आप अम्मी के होम का टूर कराएं एक्चुअली ना होम टूर जो है वो मैं इन जब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो फिर इनशाला मैं आपको करवाऊँगी फ़िलहाल आपको मैं थोड़ा सा बस देख दिखा देती हूँ ये जो रूम है ये मेरी अम्मी और अबू का रूम है और प्लस टी भी यहाँ पर ही होता है और उसके साथ ही जो है रूम ये छोटी सिस्टर का है ए, लेकिन जब मैं जाती हूँ तो हम दोनों यानी कि यहीं पर ही रहते हैं और उस इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से ही की हुई है और जो ये जो फ़र्नीचर लगा हुआ है ना ये मेरी अम्मी की शादी का फर्नीचर है इसत्री जो स्टैंड है ना उसको छोड़ के बेड भी और ड्रेसिंग भी और अलमारी भी जो है ना वो अम्मी और सिस्टर इन दोनों की है यानी कि ये दोनों लोग यूज़ करते हैं इसको तो ये इधर रखी हुई है और इसके साथ ही फिर नेक्स्ट ये वाला जो रूम है और यहाँ पर जी फिलहाल तो ना किसी सामने जो हम साइना उनका सामान वग़ैरह पड़ा हुआ था तो मैंने फिर ज़्यादा शूट नहीं किया एक्चुअली पूरे रूम का पूरे सॉरी हाउस का टूर मैं इसलिए नहीं करा पा रही क्योंकि घर में ना कोई ना कोई होता है तो फिर <laughs> मुझे होता है कि कोई ना हो तो फिर ही मैं वीडियो बना पाऊँ और ये हमारा बड़ा सा खुला सा सेहन है और ये थोड़ा छोटा सा ना ऐसे बरामदा सा बना हुआ है जहाँ पर ये सोफ़े रखे हुए हैं यानी कि खाना वगैरह यहीं पर बैठ के खाते हैं और फ्रिज रखी हुई है साइड पे और ये जो बर्तनों की अलमारी होती है ना वो यहाँ पर सामने रखी हुई है और बस जी उसके बाद यहाँ पर जी खाने का टाइम हो गया था ये चाय के बाद फ़ौर बाद से नहीं है तकरीबन दो घंटे के बाद का टाइम है और यहाँ पर हम लोग जी खाना खा रहे हैं तकरीबन आई थिंक साढ़े आठ नौ बजे का टाइम होगा तो खाना खाने के बाद हमारा प्लान बना जी हम जाएंगे गुजरात की जो डॉलर शॉप है ना वहाँ पर ए, सिस्टर कह रही थी कि यहाँ पर हम लोग कभी नहीं गए चलो आप आए हो तो चलते हैं देख के आते हैं कि क्या कुछ है कैसी चीज़ें हैं प्राइसेस कैसी हैं तो मैंने कहा चलो चलते हैं वो यहाँ पर जो प्रिंस चौक है जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको तो खैर पता ही होगा वहाँ पर इन इन्न, इन्होंने ना शॉप एक बनाई है डॉलर शॉप तो बस हम लोग जो हैं वहाँ पर जा रहे हैं मैं अम्मी भाई है छोटा मेरा और साथ में मेरी सिस्टर है तो मैं कहा चलो जा कर चेक करते हैं अच्छा जी खाना वगैरह हमने खा लिया है अलहमद और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं जी डॉलर शॉप पर तो बस यहाँ पर जी हम जो चिंगची होती है ना उसमें बैठ के जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लोग थे तो फिर बाइक्स वगैरह जो मैंने कहा इतने लोगों को साथ यानी कि मर्द हजरात को लेके जाना थोड़ा सा यानी कि मुश्किल भी है क्योंकि मर्द जो होते हैं ना उनको ज़रा जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी शॉपिंग करें और डॉलर शॉप पे जाएं तो जल्दी जल्दी शॉपिंग तो है कहीं भी जाएं तो नहीं होती तो मैंने सोचा कि हम जो है ना इसी रिक्शा में जाते हैं ताकि हम आराम से जाएं और आराम से जान शॉपिंग वगैरह करके तो आएँ क्योंकि चीज़ें देखनी होती हैं प्राइसेस देखनी होती हैं फिर उसके बाद ही कुछ खरीदना होता है मुझे तो है टाइम लग जाता है काफ़ी ऐसी जगह पे जाके स्पेशली शॉपिंग करने जाओ ना तो मुझे मतलब कोई ना कहे कि आप जल्दी करें <laughs> तो बस अभी हम लोग जी जा रहे हैं तो आप भी चलें और देखते हैं जी क्या प्राइसेस हैं क्या सूरत हाल है और जो लोग मुझे गुजरात से देख रहे हैं वो लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अगर विज़िट किया है तो आपको कैसी लगी है हाँ मुझे बस ना एक चीज़ वहाँ पर अच्छी लगी है वैसे तो चीज़ें सारी जो है ना वो बाज़ार जो है ना गुजरात का वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाती हैं और प्राइसेस भी तकरीबन सेम ही होती हैं तो Uh, मुझे बस एक चीज़ ये अच्छी लगी है कि सारी जो चीज़ें हैं ना उनकी प्राइसेस 150 ही थी यानी कि कोई ऐसे नहीं था कि 200 250 वो होता है ना कि आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं एक जहन में होता है कि यार प्राइस इतनी है तो ये चीज़ हमें लेनी चाहिए या नहीं क्योंकि अक्सर जो इस्लामाबाद और पिंडी में डॉलर शॉप्स हैं ना वहाँ पर प्राइसिस थोड़ी सी डिफरेंट भी यानी कि डॉलर शॉप का नाम तो है लेकिन अंदर जो है ना वो सारी प्राइसिस डिफरेंट ही हैं तकरीबन क्योंकि ये चीज़ भी मैंने देखी है तो मुझे बस ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कि वहाँ पर जो है ना सब चीज़ों की प्राइस सेम है तो इस तरह से बड़ा अच्छा आइडिया हो जाता है बंदे को यानी कि आपने कोई चीज़ लेनी है आप उठाएं वो लेकर कर जाएँ ये प्राइस क्या है बताएं वो यानी कि वो एक जो झंझट होता है ना वो नहीं था वो बस मुझे अच्छा लगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी बस पूरा पूरा था यानी कि सामान जो भी था लेकिन ये था कि अच्छा था अच्छा जी हम लोग देखें जी बातें करते करते पहुँच गए हैं यहाँ पर और ये वाली जो शॉप है डॉलर शॉप जो है ये सर्कुलर रोड है ना नाज चौक प्रिंस चौक अक्सर लोग दोनों नामों से है ये जाना जाता है तो यहाँ पर है ये क्योंकि मैं आपको फिर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर मुझे काफ़ी कमेंट्स आएंगे कि ये कहाँ पर है तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा फिर से दोहरा दूँ अच्छा जी अब हम लोग एंटर हो गए एंटर होते ही सबसे पहले तो हमारी जो लेफ़्ट साइड थी यहाँ पर थी क्रॉकरी और ये सारी जो क्रॉकरी थी ना ये भी वन फिफ्टी यानी कि उन्होंने लिखा हुआ था ईच वन फिफ्टी है या वन फिफ्टी में दो हैं ये सारा कुछ मेंशन था इसलिए भी काफ़ी आसानी हो गई और बाकी मैं पहले तो थो थोड़ा सा मैं पूछ रही थी उनसे तो फिर उन्होंने भाई ने मुझे बताया कि जितनी भी चीज़ें हैं सब वन में हैं तो फिर आराम से जो है ना हम लोग देखते रहे और जो चीज़ भी ज़रूरत की थी है ज़रूरत आपको पता है कि आएँ तो वो ज़रूरत बन ही जाती है डॉलर शॉप पर आ जाएँ तो वो फिर हमने ली हैं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ली हैं मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है और प्लास्टिक में जो है ना वो दो किस्म के प्लास्टिक होते हैं एक अच्छा होता है एक एक जो है ना वो इतना अच्छा नहीं होता तो ये जो है ये 150 में दो यानी कि मिल रहे थे एक बड़ा था थोड़ा सा और एक छोटा था तो ये प्लास्टिक कुछ अच्छा था लेकिन ये जो आगे लगा ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा वो भी लेकर आने के बाद मैंने देखा है तो मुझे इसका प्लास्टिक जो है ना वो अच्छा नहीं लगा वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे है इस ब्लाग में तो मैं आपको नहीं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी तो बस हम दोनों ने जो है जो जो चीज़ हमें चाहिए थी अब ये देखें जी एक ये जो है ना बॉक्स है तो ये वन फिफ्टी में था इसका प्लास्टिक अच्छा था तो बस यही होता है ना कि अगर क्वालिटी अच्छी है तो प्राइस उस हिसाब से होती हैं यानी कि हर चीज़ जो है ना क्वालिटी के हिसाब से उसकी प्राइस सही थी यानी कि कुछ जो क्वालिटी लो क्वालिटी थी वो दो मिल रहे थे यानी कि दो बॉक्सेस मिल रहे थे और जो अच्छी क्वालिटी के थे वो एक भी मिल रहा था अच्छा जी यहाँ पर ये वाले जो है ना बॉक्स ये मुझे बड़े अच्छे लगे हैं तो ये फिर ले लिए सिस्टर ने ले लिए मेरे पास तो हैर मैंने लास्ट दिनों में भी लिए थे काफ़ी तो मैंने फिर नहीं लिए और यहाँ पर ये मसाला बॉक्स देख रहे थे ये इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था तो फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि इसका जो ऊपर का लिड था वो भी इतना अच्छा नहीं था और ये सारी जो प्लास्टिक है ना ये बिल्कुल भी मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तो फिर ये हमने नहीं लिया

और बस ये यहाँ पर हम लोग अपनी शॉपिंग में बिज़ी हैं और अलेआम जो है वो अपनी शॉपिंग में बिज़ी है उसको गाड़ियाँ और जो भी नज़र आ रहा है ना वो सब कुछ उठा उठा के मम्मा ये ले लें ये ले लें तो बस उसके लिए भी मैंने एक दो चीज़ें ली हैं ज़्यादा नहीं ली है एक्चुअली मैंने कहा मैंने जाना भी है बैग में क्या कुछ रखूँगी और किस तरह से मैं हैंडल करूँगी तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मैंने नहीं ली क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें जो है ना वो हर जगह से मिल जाती हैं तो बस हमने एक विज़िट किया था तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ जो है वो हम ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर जी हम लोग आ गए आइसक्रीम खाने के लिए ये कोई नई शॉप खुली थी तो हमें उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ पर ज़रूर ट्राई करें तो फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं और उसके बाद जी हम लोग घर आए तो ये तकरीबन बारह बजे के बाद का टाइम है तो आज जो साध हैं वो वन ईयर के माशाला से हो गए हैं तो उसकी बर्थडे थी तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने केक काटा और बस इसके बाद जी हम लोगों ने केक काटा चाय वग़ैरह पी और थोड़ी देर बैठ के बातें की टाइम जो ना वो काफ़ी हो गया था और सुबह चूँकि सबने जाना था जॉब पर तो बस यहीं पर मैं आपसे भी चाहूँगी इजाज़त इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय बाय